कम से कम दो साल बच्चे को ज़िंदगी में हॉस्टल ज़रूर डालना चाहिए जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना वो हर समय उनके पास मम्मी पापा नहीं होते हैं और वो क्वालिटी उसके अंदर सेल्फ रिलायंस बिल्ड करती है यहाँ पे जब घर में जितनी ज़रूरत पड़ी पैसा मिल जाता है वहाँ वो बजटिंग सीख जाता है वहाँ वो सेविंग सीखता है वहाँ वाइजली स्पेंड करता है कॉन्सिक्वेंस इसका ये है कि वो इंडिपेंडेंट रहता है तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आ जाता है और वो कई प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाता है क्योंकि हर समय हर चीज उस बच्चे के हिसाब से नहीं होती है हॉस्टल में वास्तव में नहीं होती तकलीफों में आता है वो और उस समय उसके पास में पेरेंट्स नहीं होते कंप्लेंट करने के लिए कि मम्मी मेरे को ये खाना ठीक नहीं लगा दोबारा बना दो दूसरा बना दो तीसरा बना दो वहां पर उसको मैथ का खाना खाना पड़ता है वो सेल्फ रिलायंस देता है स्केड्यूल का फर्क पड़ने लग जाता है स्केड्यूल का दिमाग में सेट हो जाता है जो बच्चे जिंदगी भर हॉस्टल में पड़े हैं ना वो सुबह जल्दी उठते हैं जिंदगी भर जो बच्चे जिंदगी भर हॉस्टल में पढ़े हैं वो बड़े सेट टाइम पे नाश्ता खाना खाते हैं और यहां पे क्या है घर के अंदर तो रूटीन फ्लेक्सिबल है कभी रात को एक बज रहा है कभी वेब सीरीज पे मिर्जापुर लगा रखी है दिमाग खराब किया हुआ है हॉस्टल में लाइफ डिसिप्लेंड होती है भैया उनका वे ऑफ वर्किंग बिल्कुल स्केड्यूल बेस्ड रहता है फिक्स टाइम होता है हर चीज़ का नाश्ते का खाने का हर चीज का उससे वो फर्क पड़ता है उसकी लाइफ में बच्चों को पता चल जाता है अब मुझे अगला क्या करना है अगला क्या करना है मालूम है स्केड्यूल उसको कंसिस्टेंसी देता है स्केड्यूल उसको स्टेबिलिटी देता है वो अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके फोकस कर सकता है उसकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन हो जाती है डे स्कॉलर की लाइफ नेबरहुड पे पड़ोसियों पर रिश्तेदारों पर के अलग अलग सामाजिक जो उनकी जिम्मेदारियां उस पर डिपेंड करता है लेकिन हॉस्टल में कोई डिस्टर्बेंस एक्सटर्नल नहीं है वहां एक ही फोकस है सुंदर पिचाई बोलते थे ना इस बारे में कि पड़ोसियों के चक्कर में कई बार रात को लेट होते थे हम लोग फंक्शन है सेलिब्रेशन है कुछ कुछ त्योहार है कुछ है अगले दिन स्कूल मेरा मैसेज आया करता था और एक चीज़ जो मैंने हॉस्टल में सीखी है मेरा एक बचपन का दोस्त था तेंजिंग जो मेरे साथ हॉस्टल में पढ़ता था तेंजिंग अरुणाचल प्रदेश से अभी मैं अपने भाई की शादी में गया था और वो भाई की जब शादी में मैं गया गुवाहाटी तो तेंजिंग भी अरुणाचल प्रदेश से गुवाहाटी आया था वो मेरे बचपन का दोस्त था और हमने काफ़ी टाइम साथ में दिया मैं कुछ फोटोग्राफ भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ यहाँ क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर मिल जाता है आपको जो है बच्चे को बाजू के शर्मा जी वर्मा जी या हो सकता है तिवारी जी मिल सकते हैं लेकिन अगर हॉस्टल लाइफ में उसको देश भर की कंट्री के अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं क्योंकि भारत जो है ना वो एक देश नहीं है कॉन्टिनेंट है भारत अपने आप में एक अलग दुनिया है भारत के अंदर नौ मेजर धर्म है अट्ठाईस से ज्यादा राज्य है और उन्नीस डायलेक्ट है डायलेक्ट मतलब एक भाषा का सब भाषा को डायलेक्ट बोलते हैं एक तरह से तो होस्टल एक फिट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग कल्चर से जो उसके कल्चर के बाहर के लोग हैं उनसे सीखने को उनके साथ मील शेयर करने के लिए उनके साथ झूले पे बरसात बर में आराम से बाहर बैठते हुए गप मारते वक्त वो नए नए कल्चर को सीखता है अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं वहाँ पे वहाँ हरियाणा का बच्चा भी होगा अरे केक रह है पंजाबी भी होगा पाजी किद्दा और वहाँ अलाहाबाद का लड़का भी होगा अरे कहाँ बतिया रहे हो भैया थोड़ा आप बैठिए तो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलेगा एक्सपोजर मिलेगा उसको इंटरेक्ट करने का कोलैबोरेट करने का डाइवर्स ग्रुप के अंदर अलग ही लाइफ है स्टैंडर्डाइज लाइफ है बच्चे को दो साल हॉस्टल जरूर भेजना चाहिए कैसे होस्टल पूरी तरह समझिए बात को डे स्कॉलर जो है ना वो उसके पास हर प्रकार के लोग होते हैं आसपास दोस्त होते हैं कि अमीर दोस्त होते हैं वो उनसे इनसिक्योर इन्फीरियर फील करता है उन रिच दोस्तों से लेकिन हॉस्टल की लाइफ स्टैंडरडाइज है इक्वालिटी है एक, एक जैसे कपड़े सारे पहनेंगे ट्रीटेड दे आर ट्रीटिंग ईच अदर वेरी इक्वली अगर आप मूवी स्टार के बच्चे हैं या किसी आई वर्कर के बच्चे हैं लाइफ सिंपल और स्टैंडर्डाइज एक जैसी है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हो भगवान कृष्ण त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम वो भी हॉस्टल में पढ़े थे वो कहा गुरुकुल में रहे सांदीपनी मुनि गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहे और वहां उनके दोस्त बने कौन सुदामा आज जीवन में पहली बार किसी को मित्र बनाने का आनंद पाया है मित्र आ, दोनों बाद में सेपरेट हो गए सुदामा अपनी जिंदगी जी रहे ये त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम द्वारकाधीश द्वारका धाम में रह रहे थे और जब पता चला कि कौन आ रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट आ रहे हैं नहीं गरीब ब्राह्मण सुदामा आ रहा था भगवान भागते हुए गए अपने महल से बाहर उनको हाथ पकड़ के लेके आए अपने राज सिंहासन में बिठा के उनके पाव धोए और उनके पाँव धोने के बाद रुक्मणी भी जो थी वो भी ईर्षा करने लग गई ऐसे कौन आ गए जिनको भगवान पंखा कर रहे हैं यहाँ बिठा के और छप्पन भोग खिला रहे हैं